निकालने का समय आ गया है, हूतियों को अब चुन चुन कर मारने का समय आ गया है, क्योंकि अब भारतीय नौसेना ने ऐसे इंतजाम किए हैं, या यूं कहें कि ऐसी कमान संभाली कि अब इन हूतियों की जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। हाल ही में लाल हिंद महासागर में भारत के एक जहाज पर हमला हुआ था। पिछले कुछ महीनों में कारोबारी जहाज पर हमले लगातार हुए और ये हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन जहाजों पर हमले कोई और नहीं बल्कि हूती विद्रोहियों द्वारा करवाए जा रहे थे। लेकिन शायद ये हूती विद्रोही भूल गए कि भारत में केंद्र में मोदी सरकार है और अब इनका अंत निश्चित है। खबर है कि अब इन हमलों के मद्देनजर भारतीय नौसेना ने लाल सागर में तैनाती बढ़ा दी है। हाल ही के समय में हिंद महासागर के इलाके में तकरीबन 2 दर्जन कारोबारी जहाजों पर हमले हुए। बता दें इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन हमलों को देखते हुए भारतीय नौसेना एक्शन में है और इसलिए लाल सागर और अदन की खाड़ी में तैनाती बढ़ाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाल हिंद महासागर आखिर भारत के लिए इतनी अहम क्यों है, आखिर ये सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में क्यों जुटी हुई है। दरअसल भारत का 90% कारोबार लाल हिंद महासागर के रास्ते ही किया जाता है। लगभग 80% कच्चा तेल फारस की खाड़ी के रास्ते पर आता है। इसलिए अगर भारत के जहाजों पर ये हमले लगातार बढ़ते रहते हैं तो भारत के कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। लाल हिंद महासागर में बढ़ाई सुरक्षा के मद्देनजर नेवी ने अपने 6 टॉप क्लास वॉरशिप अदन की खाड़ी के आसपास तैनात कर दिए। डॉर्नियर, सी गार्डियन और P-8I एयरक्राफ्ट से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए आसमान में लगातार नेवी के प्रीडेटर ड्रोन चक्कर लगाते रहेंगे, जिसके चलते मर्चेंट शिप भी और ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगी। बता दें नेवी के मरीन कमांडो भी वहां रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, जिसे अटैक करने वालों पर यानी हूतियों पर और समुद्री लुटेरों तक ये संदेश चला जाएगा कि नेवी की तैनाती बढ़ा दी गई है और अटैक करने वाले कई बार सोचेंगे। लाल सागर में ये खतरा बढ़ता देख भारत ने आने वाले मर्चेंट शिप अफ्रीका की तरह से बुलवाई जा रही है, जिसमें दूरी 40% तक बढ़ गई है। दूरी बढ़ने से शिपमेंट महंगा होगा तो सामान भी महंगा होगा और इसका असर हर देशवासी पर पड़ेगा। इस मुश्किल की घड़ी में अब नेवी को और मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, क्योंकि अब इन हूतियों को चुन चुन कर मारने का समय आ गया है। जिस तरह से हाल ही के समय में भारत की कई शिप्स पर हमले हुए हैं, इससे भारत को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब भारतीय नौसेना ने कमान ऐसी संभाली है कि इन हमलों पर रोक लगाकर ही दम लेगी। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।